नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश तरुण सर के साथ बाबा केवल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसमें मेरी जो भूमिका है वो एक स्टूडेंट की तरह है, जो हमारे देश के, हमारे पड़ोसी देशों के जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं हमारे पास पढ़ाई करने के लिए, जो ट्रेनिंग लेने के लिए, उनके जो सवाल होते हैं मन में, वो तरुण सर से जो पूछना चाहते हैं, वो जो जानना चाहते हैं कि हम आपको क्यों चुने आईफोन की ट्रेनिंग के लिए, ईएमएमसी की ट्रेनिंग के लिए, हम आपको क्यों चुने। हम नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी यूट्यूब पर रोज वीडियोज आ जाते हैं, तरह तरह की स्कीम्स आ जाती हैं, लुक्रेटिव ऑफर्स आ जाते हैं, कम पैसे में ये बेनिफिट वो बेनिफिट, ठीक है, उसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है सर पता नहीं है। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं तरुण सर से करूंगा आज, और एज ए स्टूडेंट करूंगा, ताकि मैं, अब हर एक स्टूडेंट तो सर आकर आपसे पूछ नहीं सकता जो उसके मन में है, आपके पास इतना समय भी नहीं रहता, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स, तो जो सवाल है सर मेरे, मैं वो सवाल स्टूडेंट्स के हैं दरअसल, मैं स्टूडेंट की भूमिका में आपसे पूछूंगा और फिर आप उसका जवाब दीजिए ताकि हमारे स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। तो सर हमें क्यों चुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि हमें क्यों चुने लोग, बाबा बीएआरटी को क्यों चुने ट्रेनिंग के लिए। वो क्यों चुने, इसलिए चुने कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम सर्विस दे रहे हैं, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, वो अभी तक हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, जो यंगस्टर है, जो नौजवान है, और उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है, ईएमएमसी, मोबाइल ट्रेनिंग, लैपटॉप ट्रेनिंग, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। कैसे, एज ए स्टूडेंट मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो इतने सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, उनके बच्चे कैमरे पे आने पे डरते हैं। क्यों, कह रहे सर हमारी स्पोर्ट बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, हुक्का पानी बंद नहीं हो जाता, जैसे आपने किसी के खिलाफ बोल देते हुक्का पानी बंद, तो बेचारे इतने डरते कुछ बोलते ही नहीं है। और उसके बाद उनको कहते हैं अच्छा तुम तरुण सर के पास गए तो बिरयानी खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, बिरयानी, केक काटते हैं, उनको पहले बिरयानी खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, ये लो स्टेंसिल, ये लो लिक्विड, ये 10 रुपए वाला पेस्ट, लॉलीपॉप देते हैं, फिर किसी को बुलाते हैं, केक काटते हैं और वीडियो बनाते हैं, ऐसा होता है। तो ये धोखा ही है। धोखा कैसा होता है, पहला धोखा बच्चों तुम्हारे साथ कहां से स्टार्ट होता है, आप फोन करते हो, आप फीस पता करते हो, दिल्ली में मोस्टली ज्यादा है, और कुछ नाम उनके इतने ज्यादा है कि उनका नाम ही झूठ से शुरू होना चाहिए। कैसे, उनका अपना नाम ही नहीं है, कहीं अस्तित्व ही नहीं है। मेरा नाम तरुण मल्होत्रा है, मेरे बाप का नाम श्री योगिंद्र नाथ मल्होत्रा है, आपका भी होगा, उनका तो अपने पिताजी का नाम ही नहीं है, बाबा टूल्स यूज करते हैं नाम में, उनका अपना नाम ही नहीं है, नाम क्या है, बाबा टूल्स, हाँ जी बाबा टूल्स, यस। और बच्चों के साथ कैसे पता चला, बच्चों ने बाबा टूल्स का पूछा, बाबा टूल्स का ये चीज है, उसको पूछा, पता चला वहां नहीं है, ये तो तरुण जी का ही है, मतलब उनका अपना नाम ही नहीं, अपने बाप का ही नाम वो यूज करते हैं। पहला धोखा तो ये हो गया। दूसरा, उनकी मैडम बोलती है सर अब 2000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करा लो, 25000 रुपए ईएमएमसी की फीस है। वो बेचारा 2000 या 3000 जो भी देता है, कोई अलग अलग शहरों से आते हैं दिल्ली में पढ़ने, दिल्ली के बच्चे कम होते हैं पढ़ने के लिए, वो क्यों आते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं एक छोटे से गांव में हूँ, एक अच्छी जगह पढ़ने जाऊंगा तो शायद मुझे अच्छा पढ़ने को सीखने को मिलेगा। जैसे हमारे में इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज होती है, लोग सोचते हैं मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो मेरी जॉब अच्छी मिलेगी, मुझे प्लेसमेंट मिलेगी, ये फायदा होगा, वो ये सोच के सब एक बड़े सपने देख के हमारे बड़े शहर में आते हैं, दिल्ली आते हैं। जब आते हैं पढ़ने के लिए, घर में कहते हैं जा रहे हैं, और वो बताएंगे इंटरनेट पे देखे है, तो उन्हें लगता है मैं घर वापस जाऊंगा तो पिताजी डांटेंगे मम्मी। वो कहते हैं भैया 25000 तो ईएमएमसी की है, वो एक टेस्ट ले लेते हैं छोटा मोटा, ये आईसी, तुम्हें आईसी उतारनी भी नहीं आती, तुम ईएमएमसी कहां से करोगे, ये कहां से करोगे। तो हमारे ये कोर्स है ना 25000+25000 का, कितना बेसिक कोर्स ये है, और इसके टाइमिंग बांध देते हैं, वो टाइमिंग्स में सिखाते हैं, एक बार में नहीं सिखाते, उनके बैच सिस्टम भी नहीं होता। दोस्तों याद रखना, बैच सिस्टम नहीं होता, बैच क्या होता है, एक ही बार में ग्रुप आया 10 बच्चों को, उनको एक तरीके से पढ़ाया और एक सिलेबस फॉलो किया, जैसे हमारे स्कूल में होता है, फर्स्ट क्लास वाला फर्स्ट रो में पढ़ता रहता है, ये थोड़ी तो स्कूल में हर महीने एडमिशन होता है, होता है नहीं, होता है क्या, मेरा जवाब सवाल है लोगों, होता है नहीं, क्यों नहीं होता, क्यों, जो बच्चे का सिलेबस चल रहा है, कोई आगे चला जाएगा, कोई पीछे चला जाएगा, कैसे कंपेयर होगा, कोई बच्चे तो फेल होंगे ना, बिल्कुल ठीक है, उनमें क्या, उनको पैसा चाहिए। आज जिस दिन आओ मैडम की एक सीट बाकी है, 2 सीट बाकी है, हर रोज एडमिशन करते रहते हैं, ये भी झूठ, धोखा, धोखा ही है, बिल्कुल धोखा है। अगर मेरी बात में दम नहीं हो और मैं झूठ बोल रहा हूं और कोई कहता है कि गलत है, मैं प्रूव कर दूंगा और आपको साथ ये होगा, और हो सकता है मेरी वीडियो का ये धोखा होना बंद हो जाए। इंस्टीट्यूट तो ये धोखा इस तरह से शुरू हुआ कि बच्चों का फीस के नाम पे हुआ,
फीस आने के वो कहते कि आपको ना एक काम करो, दोनों पैकेज ले लो, 10,000 रुपए डिस्काउंट हो जाएंगे। कितना? 10,000 रुपए डिस्काउंट। फिर वो 40 ले लेते हैं। okay. ऐसे ऐसे करके वो 40 बेचारा फंस जाता है। okay. फिर उनको कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता। फिर उनको कहते हैं UFI पढ़ाएंगे, AE टूल पढ़ाएंगे और इजी जेट एक्ट पढ़ाएंगे। इजी जेट एक्ट का बॉक्स ही नहीं है, ठीक है, उनके पास पढ़ाते ही नहीं है। स्मैटिक्स उनको पता ही नहीं क्या है स्मैटिक्स। okay. एक सिलेबस होता है वो, सिर्फ कोर्स मटेरियल्स, जो कोर्स मटेरियल्स नहीं, कुछ भी नहीं देते। अब उन्होंने शुरू किया क्या, स्टेंसिल्स देनी अब शुरू करी है, पीसीबी देनी शुरू करी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले नहीं देते थे। अब वो एक वीडियो मेरे से पहले आया था, उसको देख के, हमारे को देख के उन्होंने देना शुरू किया। चाय पानी भी देने लग गया, कभी कभी बिरयानी भी खिलाते हैं बच्चे जो नाराज हो जाए। क्यों सर? बकरे को हलाल करने के पहले उसको खिलाना पड़ता है ना, हलाल तो ही बेचारे उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहे, चढ़ते रहे हैं, कुछ बोले नहीं। मेरा ख्याल है कि जो बच्चा इतनी दूर से पढ़ने आया वो आता है क्वालिटी लेने, क्वालिटी नहीं है वो हमारे इंस्टीट्यूट में। क्वालिटी कैसे? पढ़ाई की क्वालिटी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो हमारे पास है। थर्ड, उनके पास टीचर्स एक घंटा ये पढ़ाता है, दो घंटे वो, लंच करने बाहर जाते हैं, टाइम खराब, ये खराब। हमारे इनबिल्ट होता है कि बच्चा इतनी दूर से सब कुछ छोड़कर अपनी दुकान बंद करके, काम बंद करके, दुकान बंद करके, अपने माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के किस लिए आया कि वो 500,000 रुपए कमाता है, ये काम सीख के वो 2,000 कमा ले। या वो बेरोजगार है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कर सके, ये काम सीख के वो कहीं 10-15,000 रुपए के मजदूर मतलब जॉब कर सके। हर आदमी के किराए की सोच के साथ होता है, पर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं ना। वो लोग सिर्फ बच्चों के हाथ साफ नहीं कराते, फोन पे ही हाथ साफ कराते हैं। फोन साफ हो जाता है। हाथ साफ नहीं होता उनका, फोन ही साफ होता है। और वो बेचारे सीखने के बाद, कोर्स करने के बाद उसी में लगे रहते हैं, कब उनका हाथ साफ होगा, कब वो फोन बनाएंगे। ये धोखा नहीं तो क्या है? धोखा है सर, धोखा है ना। मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, मैं बोर्ड देता हूँ, ऑन ऑफ सब देता हूँ, ऐसी उतारना लगाना सब सिखाता हूँ, एक एक चीज सिखाता हूँ। कुछ नहीं सीखेगा, कुछ तो जाके करेगा जो पैसे कमा लेगा। बिल्कुल सर, जो 10 दिन 8 दिन 15 दिन जो भी स्टूडेंट्स जो जहां से भी आ रहे हैं, वो उनकी सर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उनकी। एक तो सर, एक तो फीस दे रहे हैं, उसके बाद जो 1,000-2,000 की जो कमाई है रोज की वो भी छोड़ रहे हैं, तो सर उनका चौतरफा नुकसान हो जाए। हर तरफ से नुकसान है। तो इंस्टीट्यूट में आने का मतलब ये था, ये जो EMMC ट्रेनिंग के नाम पे धोखा है इसको साफ कर लो। मैं चाहता हूँ पढ़ाई का स्तर जो हमारे देश में गिर रहा है हर तरफ के एजुकेशन लेवल में, उसको एक अच्छे लेवल पे लाया जाए। क्योंकि ये जो कोर्स है एक सस्ता कोर्स होता है, बच्चा बड़ी जल्दी पढ़ लिख के कमाने लग जाता है, बट इसका भी लेवल गिर रहा है। अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने, स्किल आए, कोई इसको कुछ सीखना है, वो किसी के मोहताज नहीं बने कि मुझे नहीं आता, उसके हाथ में इतनी ताकत हो वो फोन बनाए, हाथ साफ ना हो, हाथ साफ करके भेजते कि फोन साफ ना हो। पर लोग तो यहाँ पर उनको यही सिखाते हैं, बेटा बोर्ड कैसे साफ करना है, ये IC दे देंगे, ये लगाने सिखा देंगे, अरे ये नहीं बताएंगे फोन में शॉर्टिंग है कैसे चेक करेंगे, डायग्नोस्टिक नहीं बताएंगे, फिर स्पोर्ट नहीं देते, फिर फोन नहीं उठाते। हमारे यहाँ स्पोर्ट तो का सिस्टम जबरदस्त है। दूसरा, हम उसे हैंडीकैप नहीं बनाते, हम उसे डायग्नोस करना सिखाते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना सिखाते हैं कि कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे और कैसे वो काम करे, वो खुद ही अपने आप कर सकता है और 4 आदमियों को सपोर्ट देता है। मतलब सर, जैसे किडनी में स्टोन हो गया तो किडनी गायब करवा दे, किडनी हटा दो। नहीं नहीं, हम किडनी में स्टोन है या नहीं पहले डायग्नोस करेंगे। हाँ। उसके लिए क्या करेंगे, उसे एक्सरे करेंगे। ये नहीं आया उसको इंजेक्शन वोफ्रान का दे दिया, क्रोसिन खिला दी, पेट दर्द की गोली दे दी, कुछ नहीं हुआ तो, कुछ नहीं हुआ तो किडनी रिमूव कर, फोन ही खत्म, बस ऐसा नहीं है। और हमारे पास जो टीम है बड़ी प्रोफेशनल है। ओके। उसको मैं क्या कहूँ, इतनी प्रोफेशनल है कि वी क्रिएट मास्टर्स। मास्टर्स क्या होते हैं, स्टूडेंट तो हर आदमी बनाता है, मास्टर्स होते हैं हमसे सीखने के बाद, वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। okay. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं ले सकता, उनके टीचर्स ट्रेनिंग लेके हमारे पास आके फिर पढ़ा रहे हैं। वो कैमरे पे आने पे डरते हैं कि वीडियो आने के बाद इंस्टीट्यूट नंगा ना हो जाए, मतलब ओपन ना हो जाए, काम ना चला जाए। तो इससे पता चलता है, दिया जब एक दिया जलता है उसके अंदर तेल और एक वो क्या होता है, बत्ती होती है सर, तेल और बत्ती जलती है, नाम किसका होता है, दिएगा। और यहाँ पर कहता है बाबा, टूल्स और टीचर जलते हैं दोनों, तेल और बत्ती की तरह, मेहनत की तरह बच्चों को लगाने के लिए, और नाम हमारे बच्चों को होता है। तो ये काबिलियत है हमारे में, हमारे तो मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनर्स बन चुके हैं, आप ये कह रहे हो, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे, और कुछ टीचर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा। जो अपने को बहुत बड़ा बड़ा कहते हैं उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, हाँ, ग्रेट सर, ये तो अचीवमेंट है। नहीं, अचीवमेंट नहीं, मेरी छाती ऐसे है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और रही हमारी फीस की बात, हमारी फीस बिल्कुल रिजनेबल है, और मुझे नहीं पता मार्केट में कम या ज्यादा क्या होती है, हो सकता है ज्यादा भी हो, बट
अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी आईआईएम का नाम सुना नहीं हो तो गूगल कर सकते हैं, उसकी फीस कितनी है, क्वालिटी देता है वो, लीडर्स क्रिएट करता है, मार्केट में उनका राज होता है, वही हम करते हैं। इसलिए हमारी फीस नहीं, हमारे ही जो फीस बिल्कुल नॉमिनल है, बट जो हम क्वालिटी देते हैं ना, वो बच्चों का कॉन्फिडेंस ऐसे होता है कि हम कुछ सीख के गए हैं, कुछ सीख के आए हैं। और मेरी जो वीडियो होती है बिल्कुल शुद्ध होती है, कुछ कटिंग नहीं, कुछ वो नहीं, लोग कटिंग पटिंग ये वो जो सोच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सेफ मोड और सेफ वे। और सेफ मोड और सेफ वे क्या होता है, सेफ मोड तो पता नहीं क्या होता है, सेफ वे जरूर बताऊंगा कि सेफ वे में काम होता है। सेफ वे होता है सही तरीका काम करने का, कैसे आपका फोन चले जिससे फोन डेड नहीं हो, जिस कंडीशन में आएगा उसी कंडीशन में वापस जाएगा, ये चीज हम सिखाते हैं। मैं सिर्फ बारीकों में बता रहा हूँ, ऊपर इसलिए नहीं लेके जा रहा कि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, डिबेट करने लगूंगा तो कोई भी मेरे से डिबेट नहीं कर सकता इंस्टीट्यूट वाला। ओपन चैलेंज है मेरा कि वो क्या पढ़ाता है और मैं क्या पढ़ाता हूँ। और सही तरीका पढ़ाने का होता है कि जिस कंडीशन में फोन आया आपने उसमें दिया, आपने डेड का रिस्क ले लिया और डेड हो जाता है, कस्टमर चला जाता, आप कहते हो जिस कंडीशन में आया था उसमें दूंगा, खुश है ना वो, क्या नहीं है। ये चीजें हम सिखाते हैं, ऐसे कहते हैं सेफ में। ऐसा कई बार होता है और मैंने भी देखा है, मैंने भी कई बार महसूस किया है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी यूट्यूब चेंज करनी है, आईफोन में यूट्यूब चेंज करनी है, तो लोग यूट्यूब चेंज करेंगे, उसके बाद आपका सेंसर या तो काम करना बंद कर जाएगा या फिर स्पीकर काम करना बंद कर जाएगा या फिर कोई और नई प्रॉब्लम्स उसमें आ जाएंगी, तो ये सब क्यों होता है? हमारे पास जो ट्रेनिंग जो हम देते हैं वहां पे ये इसलिए होता है कि जो बंदे हैं वो ट्रेनर्स पूरी तरह अच्छी तरह ट्रेंड नहीं है, वो काम सीख रहे हैं ये नो सीखी है वो, या फोन पे हाथ साफ कर रहे हैं अपना, तो फोन ही साफ होगा, कुछ ना कुछ तो साफ होगा ही, कैमरा या सेंसर। हमारे यहाँ उनको बिल्कुल एक बकायदा पीसीबी दी जाती है, मदरबोर्ड दी जाते हैं काम करने के लिए, ये भी नहीं कहते क्यों ले रहा है या वो, उनको अच्छे से सिखाया जाता है। अगर हम फीस लेते तो मदरबोर्ड दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। आईफोन की अगर हम फीस ले रहे हैं, आईफोन 10 तक का बोर्ड देते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो बोर्ड है हम देते हैं, काम कर रहे हैं, डेड बोर्ड नहीं ऑन बोर्ड देते हैं, लाइव इसलिए देते हैं कि उसको पता चले उसने काम करा है, डेड हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं मरा हुआ आदमी आपको दूं, आप तो कब का काट दोगे, मैं जिंदा आदमी काटे तो आपके हाथ कांपेंगे, तो मैं उसको कह के देता हूं बेटा ये तेरा टेस्ट है, ये जिंदा है, अगर ये डेड हो गया तो इसका मतलब तूने काम नहीं करा, तो वो करके दिखाता है यार। ये हम देते हैं बच्चों को कॉन्फिडेंस, किसके पास है कॉन्फिडेंस ये बात करो ना, हमने दिया, हमारी क्लास में दिया है, परसों में लाइव मतलब अपने इंस्टीट्यूट में लाइव आऊंगा, फिर दोबारा अपने बच्चों से लाइव बात करूंगा, वो बताएंगे कि हम क्या पढ़ाते हैं। मैं बोलूंगा विश्वास नहीं होगा ना, बच्चे बोलेंगे अपनी आंखों से देखना ना, जिसको डाउट है मेरी चीज पर मेरे इंस्टीट्यूट में जब भी बैच चल रहा हो आ सकता है, लाइव देख सकता है, बच्चों से बात कर सकता है, टीचर से बात कर सकता है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा, सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट है मेरे यहाँ। बिल्कुल सर, तो फिर आप हैदराबाद जा रहे हैं? हाँ हैदराबाद। सर हैदराबाद आपने क्यों चुना? मतलब हैदराबाद ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स कतराते हैं कि सर हैदराबाद क्यों जाऊं, मैं दिल्ली का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं लुधियाना का हूँ, तो सर हैदराबाद कैसे जाऊं, मतलब नॉर्थ से साउथ जाना ट्रेवल करना? सर मेरे पास ना नॉर्थ इंडिया से ज्यादा बच्चे आते हैं, अच्छा साउथ इंडिया के भी आते हैं। हैदराबाद इसलिए चुना क्योंकि जो टीचर्स है दे आर साउथ इंडियन, ओके दे आर बोर्न प्रोफेशनल्स, दे आर बोर्न प्रोफेशनल्स, तो उनके खून में है क्या ये मदर बोर्ड और ये पीसीबी और ये उतारना। मैं उनको यहाँ ला भी सकता था बट हो सकता कुछ टाइम बाद अपने घर की याद आती, सफर होता, तो मैंने उनको फैसिलिटी घर की घर एक कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन दिया। रे इंस्टीट्यूट की बात, अगर आप इंडिया में बच्चे जब हम स्कूल्स की बात करते थे तो माँ बाप देते शहर में सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है, उसी स्कूल में डालते थे, चाहे फीस हो या ना जुगाड़ करके ही पढ़ाते थे। फिर हमारे कॉलेज में तो टॉप यूनिवर्सिटीज देखते थे इंडिया में कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, बच्चे नहीं देखते थे कि कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है। तो इंडिया में अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे जो अच्छा पढ़ाता है, चाहते हो कि आप कुछ पढ़ के जाओ कुछ करके जाओ, तो वो मेरे पास ही आएगा इंडिया में पढ़ने के लिए। क्यों? पढ़ाना मेरा शौक है, ये क्या इंस्टीट्यूट मेरा शौक है, मेरा धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस के लिए मेरे पास बहुत सारे काम है, बट बच्चों की जिंदगी साथ नहीं खेलते हम लोग, बच्चों की जिंदगी साथ नहीं खेलते। किसी की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, वो भाई साहब कहते हैं मैं तो पैसा कमाने आया हूँ, झोला छाप लोग हैं कुछ तो झोला उठाएंगे, उनका अपना नाम भी नहीं है, बाबा टूल्स का नाम यूज करते हैं, तो कहते हैं जी पैसा कमाने आए, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। हमने क्या करना बच्चों को पढ़ा के, बच्चा दो बारी और पढ़ लेगा फीस देगा क्या, सोच ही ऐसी है, समझ रहे हो? सैड नहीं बहुत सैड। तो ऐसे लोगों के साथ मैं देखा मैंने क्या पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा इंस्टीट्यूट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए टॉप का होना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ धोखा धोखा नहीं हो, बच्चे यार जो करने हैं उनको मिले तो सही, वो
हम अपनी तरफ से 100% देंगे, मेरी बात नहीं, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक, मेरी टीम 100% देगी, सीसी वारंटी गारंटी जो चाहिए वो देता हूँ, बाकी आपकी मेहनत है, आपकी काबिलियत है, आप कितनी आगे जा सकते हैं, मैं आपको हाथ पकड़ के तो नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो यही आपको चलना सिखाऊंगा, गिरना सिखाऊंगा, उसके बाद खड़ा करना सिखाऊंगा। एक टीचर क्या कर सकता है, एक अच्छी मार्गदर्शन दे सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा कर सकता है, करना तो आपने है। बिल्कुल सर, आपकी जो काबिलियत है वो बाहर निकालेंगे, आपको निखारेंगे, हम जैसे कोयले की खान में से हीरे को निकालते हैं ना, ऐसे ही बच्चों को हम चमकाते हैं, तराशते हैं और वो चमकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हमारी चमक इतनी ज्यादा है कई लोग भुखला गए उस चमक से, मेरी चमक नहीं, मेरे बच्चों की चमक, मेरे बच्चों की मेहनत, मेरे बच्चों की मेहनत, मेरे बच्चों ने जो काम किया है, मुझे इंस्टीट्यूट लाइन में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं जून से हूँ, कुछ ही महीने हुए, जून से जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीनों से बहुत अच्छा नाम हो गया आपका, नाम हो गया क्योंकि हमने मेहनत करी है, नाम मेरा नहीं हुआ, नाम मेरे बच्चों का हुआ है, मेरे बच्चों को मैं खुश होता हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं मैं खुश हूँ, मेरी छाती चौड़ी है, बच्चे कह रहे हैं भी बहुत कुछ, मुझे बिरयानी नहीं खिलानी पड़ रही उनको बुला के कि भैया वीडियो बनाने आएगा, उनको गिफ्ट नहीं देने पड़ रहे, झूठे लालच नहीं देना पड़ रहा, भाई केक भी कटवाना है, मैडम भी आएगी, हेलो कैसे हो गया फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये और वो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मस्कन लगाना पड़ेगा, मैं मेरी विजिट सरप्राइज विजिट होती है मेरे इंस्टीट्यूट में, क्यों मुझे पता होना चाहिए मेरे टीचर में कमी, मेरे बच्चों में कमी है, जिसकी कमी है मैं उसको दूर करूंगा, और उनके बाद सब कुछ वही दिखाते हैं जो वीडियो में बस दिखाना चाहते हैं, मेरे में ऐसा नहीं है, ना जो है ना कटिंग है ना कुछ है, ना मुझे ये सब करना आता है, केक कटवाना ना गिफ्ट देने आते हैं, वो आई या नहीं आई वीडियो पता नहीं, हो सकता है इस वीडियो के बाद वो वीडियो रोक दे केक कटवाने वाली या चीज, पर हम मेरी इतनी जिम्मेवारी है कि अगर मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं तो पढ़ाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ईएमएमसी के नाम पे कोई धोखा नहीं होगा, मोबाइल ट्रेनिंग के नाम पे धोखा नहीं होगा, छोटे से बड़ा फोर्ट आपको समझाया जाएगा अच्छे से, सारे को बेसिक कोर्स होता है, ईएमएमसी कोर्स होता है, आईफोन होता है, तीन तरह के कोर्स होते हैं, तीनों है हमारे पास, हर आप तरीके आदमी पढ़ सकते हैं। अगला प्लान क्या है सर, हैदराबाद के अलावा फिर आप कौन सा लोकेशन, आप मैं दिल्ली शुरू कर रहा हूँ, बहुत जल्दी फरवरी तक फिर पटना शुरू कर रहा हूँ, दिल्ली और पटना इसलिए कर रहा हूँ, बिहार के एक बहुत सारा एरिया है वो टच में आता है, और पटना मेरे को बहुत जल्दी करना, सेमिनार्स भी करेंगे हम फ्री में, बच्चों के ईएमएमसी ट्रेनिंग ये सब पटना में हम शुरू करेंगे बड़ी जल्दी, लोकेशन ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये सब बहुत जल्दी होगा कि उस साइड फ्री में ही बच्चों को ईएमएमसी ट्रेनिंग देना, क्योंकि ईएमएमसी में क्या होता है, यूएफआई कैसे चलता है, कैसे इंस्टॉल होता है, ये एक दिन के सेमिनार्स चलेंगे पटना की तरफ और आईफोन के, ठीक है सर, मेरे ख्याल से वहाँ बहुत जरूरत है लोगों को, क्योंकि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है वहाँ पे, नहीं है सर, इंस्टीट्यूट के नाम पे कुछ धोखा है और बहुत कमी है वहाँ पे ना, जो जिस क्वालिटी की वहाँ पे ट्रेनिंग देनी चाहिए वो नहीं है। तो दोस्तों ये जो कुछ सवाल जो थे मैंने तरुण सर से पूछे आप लोगों के बिहाफ, आप लोगों पे भी कोई सवाल हो आप आ सके पूछ सकते हैं मुझसे, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो तरुण सर ने बताया कि हमारे से जुड़ने का, हमसे ट्रेनिंग लेने का फायदा जो ये है कि आपको हिट एंड ट्रायल पे आपको रिपेयर नहीं करना है, कि मतलब ये नहीं तो ये तरीका नहीं तो ये तरीका, हिट एंड ट्रायल पे काम नहीं करना मेरे दोस्तों, आपको एग्जैक्ट डायग्नोस्टिक स्किल्स सिखाई जाएंगी कि ये फॉल्ट है तो क्यों है, दर्द हो रहा है तो स्टोन की वजह से हो रहा है, स्टोन को हम बाहर निकालना सिखाएंगे, गैस की वजह से है या गैस की वजह से, जिस भी ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा है तो उसको सीधा एक पेन किलर दे दो या सारा ऑर्गेन को ही खत्म कर दो उसमें से सारे ऑर्गेन को। तो हमारा नेक्स्ट बैच ईएमएमसी का 20 जनवरी को स्टार्ट है और आईफोन का 5 फरवरी को स्टार्ट है हैदराबाद में, और हमारी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, सबसे बड़ा बेनिफिट, और हाँ जो बच्चा इंस्टॉलमेंट पे फीस देना चाहता है वो ऑनलाइन रजिस्टर करके किस्तों पे भी फीस दे सकता है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा ईएमआई भी बना सकता है, ईएमआई भी मिलेगी ऑप्शन, नहीं बच्चा फीस दे पाता ईएमआई ऑप्शन चूज करे, वेबसाइट पे जाके पेमेंट करे ईएमआई मिलेगी उसको, 6 मंथ 12 मंथ जो भी ईएमआई चाहता है ईएमआई में फीस दे, आसान किस्तों पे भी आप कोर्स कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, ठीक है सर, अगर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, बहुत अच्छी सुविधा, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए वो भी है हमारे पास, और आने वाले टाइम पे हम जो फैसिलिटी देंगे बोलने से नहीं वो बताएंगे क्या देंगे, और बच्चे जितने भी आएंगे प्रॉमिस है कि वो कुछ सीख के ही जाएंगे, उनके साथ धोखा नहीं होगा जो धोखा लोग दे रहे हैं, ये हमारा आप लोगों से वादा है, धोखा लोग दे रहे हैं इसीलिए हम आए हैं कि किसी को धोखा ना मिले, या तो वो सुधर जाएंगे या इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे, दो में से एक ही काम होगा आपको, ठीक है सर, कम से कम स्टूडेंट्स का तो न्याय तो होगा, बिल्कुल सर, सबको न्याय दिला के रहेंगे हम न्याय दिला के रहेंगे, वो बेचारे कैमरे पे नहीं आ पाते कोई बात नहीं, बट उनकी आवाज मेरे दिलों में या कानों में गूंज रही है कि सर हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, वो धोखा आने वाले बच्चों के साथ अब नहीं होगा, ये मेरा वादा है, किसी के साथ भी चाहता हूं, अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी जिनका अपना नाम नहीं है
जिनका अपने नाम नहीं है, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप जो ये इंस्टीट्यूट है नाम नहीं है, और वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, जिस चीज के पैसे ले रहे वो दे, झूठ बोल के ना बुलाए, जस्टिस करें, जस्टिस नहीं कि 25 ले रहे 40, एक बार बोलो ना हम 35 लेते हैं, बताते हैं ना आईसीयू पार्ना लगाना, मदरबोर्ड देते हैं ना, फिर क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों कहते हो बेटा बोर्ड के भी पैसे हैं, ये भी पैसे, क्यों फीस एक बार ही ले लो ना भाई, क्यों बच्चों को दुखी कर रहे हो, बेचारा इतनी दूर से आता है, धोखा नहीं चाहिए भाई किसी के साथ भी, बिल्कुल ठीक, काम होना चाहिए बढ़िया वाला। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये शो था, जो तरुण सर के साथ जो इंटरव्यू था, मुझे लगता है इसमें आप लोगों के लिए काफी जानकारियां थी, और ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।